याद रखने
कि बाह्यतल कोष जो होता है, बाहर का जो कक्ष होता है, वो कक्ष क्या कहलाता है आपका? संयोजक कक्ष। उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, उस कक्षक में से इलेक्ट्रॉन को निकालना या बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे या ग्रहण किए जाएंगे वो क्या कहलाएगी? उसकी संयोजकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? संयोजकता। और इस कोष को क्या बोलेंगे? संयोजकता कोष। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो ये चीज अपने को ऐसे ही लिखनी है दोस्तों, ताकि आपको आयनों के बारे में पता चले। बस तक तो आप इलेमेंट्स के नाम लिखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम और मैग्नीशियम। मैं दस्तक ही कह रही हूँ, ज्यादा नहीं कह रही हूँ ना। अब दस्तक करेंगे, दस्तक करने के बाद इनके परमाणु क्रमांक मैंने लिख दिए। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं ये मैंने बता दिया है। किसी भी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटोन की संख्या ही क्या कहलाती है? उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु क्रमांक के बाद आया संयोजकता कोष। अपन जानते हैं कोई भी तत्व होता है उसमें चार कक्ष अपने को मिलेंगे, के एल एम एन। पहले कक्ष में हमेशा अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भरने के बाद सबसे बाहर वाला जो कक्ष होगा वो कक्ष हमेशा कहलाएगा संयोजकता कोष। और उसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाएगा या उसमें जोड़ा जाएगा तो वो कहलाएगा आपकी संयोजकता। बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है, उसको कंसर्व कर लेंगे थोड़ा सा। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहे हैं कि 100 से अधिक, तो 100 से अधिक मतलब क्या? 101 ना। तो पहले तो ये पता हो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इनको कहते क्या है, यानी कि विज्ञान की भाषा में जब इनका नामकरण किया जाएगा, कोई तत्व का परमाणु क्रमांक 101 तो उसको लिखते वक्त इनका नाम क्या होगा साइंस की लैंग्वेज में? तो क्या है नाम तो आप देखेंगे, नी, 0 को नी, 1 को एन, 2 को वाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को सेप, 8 को ऑक्ट और 9 को इन। ये कहा जाता है, ये है आपकी क्या साइंस की भाषा में बात करें तो जो आप लिख रहे हैं उनकी, उनके नाम, यानी जो अंक आपने लिखे हैं उन अंकों को विज्ञान की भाषा में यदि लिखे तो उनका नाम क्या होगा। तो इस तरह से नाम लिखे जाते हैं। आप इनका ऐसे ही बोर्ड पर उतार लिए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो अपने नोट्स कभी नोट जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं, अपने पास जो परमाणु क्रमांक है उनके नाम अपन लिखते हैं। जब अपन इनका नाम लिखेंगे तो नाम के पीछे हमेशा क्या जोड़ना है? ईएम जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ईएम जोड़ना है। ध्यान करेंगे सब बच्चे, तो अपने पास पहला परमाणु क्रमांक 101, दूसरा 102, तीसरा 103, चौथा 104। जो सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 101 में देखो, एक को क्या बोलते हैं? अभी लिखाया था, आपने देखा था अन, 0 को नील, वापस एन, प्लस लास्ट में क्या जोड़ना है? ईएम जोड़ दिया। नाम क्या बदला? अन, नील, अनियम, राइट। ये किसका नाम है? 101 का। वही 102, एन, नील, वाईएम, एन, नील, ट्राइएम,
एल नील क्वार्टियम आ गया। ये है आपके नामकरण जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 100 से अधिक होता है उनके लिए ये मैग्नीशियम हमें आती है। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, याद भी करेंगे। ये तो हुआ परमाणु क्रमांक जिनका 100 से अधिक होता है उनके नाम। आगे चलते हैं, अगला है आपका टॉपिक आयन। क्या है आयन? आयन क्या होते हैं? तो अब अपने को अपन पीछे पढ़ के आए कि तत्वों के नाम और तत्वों के संयोजकता कोष और उनकी संयोजक। तो आयन क्या है? तो आप समझेंगे, कोई भी तत्व है उसके बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष आप जान गए होंगे ना, बाह्यतम कोष सबसे बाहर वाला कक्ष। बाह्यतम कोष से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, या फिर जोड़ा जाता है, तो तत्व दो भागों में या दो आयनों में आयनित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उस तत्व को ऋणायन, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है तो उस तत्व को धनायन कहते हैं। यानी कि धन कब होता है? जब कोई दान करता है, यानी धनवान लोग धन का दान करते हैं, तो वो कौन सा आयन बनाएगा? हमेशा धनायन। और पीछे जो दूसरा बच गया वो क्या कहलाएगा? ऋणायन। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणायन, यानी इससे कर्ज अपन लेते हैं, इससे पैसे लेते हैं, तो क्या अपन ऋणी हो जाते हैं किसी के, तो वो क्या हो गया? ऋणायन। और वहीं अपन किसी को दान करते हैं तो अपन क्या हो गए? धनवान लोग, तो क्या बोलेंगे अपन? धनायन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। और आयन होते क्या है? कोई भी तत्व के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉनों को जब निकाला जाता है या फिर जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? धनायन और ऋणायन बना देते हैं। अर्थात आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वही जब वो त्याग करते हैं तब तो होता है धनायन, और वही ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? ऋणायन होता है। ये है आज आपका टॉपिक, जो सिंपली मैंने एक टॉपिक बताया गया है। तो आप ये याद करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, समझ में आ गया होगा। घर पर ही रहना है बेटा, अपने को घर पर बैठ के पढ़ना है, तो घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।